मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा में उपचुनाव के लिए पिछले एक महीने से चल रहा शोरगुल आज शाम 7 बजे थम जाएगा, जिसके बाद सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने इस चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई दिनों से दिग्गज यहां डेरा जमाए हुए थे। दमोह में 17 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 2 मई को नतीजे आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी और कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के बीच इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आज शाम 7 बजे चुनाव प्रचार थमने जा रहा है। दमोह संवाददाता मनीष सोनी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुख करेंगे मनीष की तरफ। मनीष, पिछला एक महीना बेहद सियासी उथल पुथल इस बीच दमोह में नजर आई। कोरोना की बात करें तो जो कुछ गाइडलाइंस थी उनकी धज्जियां उड़ती नजर आईं। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम दिग्गज इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल बनाकर डेरा डाले रहे। क्या कुछ आपने इस चुनाव प्रचार के दौरान देखा जो अब शाम 7 बजे हो हल्ला कम से कम थम जाएगा? जी हाँ सोहेल, आज वो आखिरी दिन है जिसका इंतजार दमोह जिले के हर वासिंदे को था। आज शाम 7 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। वो लोग जो बाहर से दमोह में कई महीनों से डेरा डाले हुए थे, पार्टी के प्रचार के नाम पर दमोह में रुके हुए थे और बार बार बड़े शहरों से दमोह आ रहे थे, वो भी दमोह छोड़कर चले जाएंगे। कुल मिलाकर इसी दिन का इंतजार दमोहवासी कर रहे थे, क्योंकि सभी को चिंता थी कोरोना की। जिस तरह से कोरोना का ग्राफ दमोह में लगातार बढ़ रहा है, डेली लगभग 50 से ऊपर केस निकल रहे थे। कल 93 केस निकले थे, इसके पहले 54 केस निकले थे, 35 केस निकले थे। लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा था, इससे सभी के माथे पर चिंता की लगी रही थी कि कहीं ना कहीं कोरोना विस्फोट दमोह में ना हो जाए। वजह थी सिर्फ एक, चुनाव प्रचार, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी के बड़े बड़े नेता जो कि बड़े बड़े शहरों से दमोह पहुंच रहे थे, महीनों से भी यहां पर डेरा डाले हुए थे और यहां पर चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। कई बड़ी बड़ी रैलियां हुई, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दोनों ही नेताओं द्वारा कई बड़ी बड़ी रैलियां की गई। इन सभी से दमोहवासियों को काफ़ी चिंता थी। हालांकि अब केवल 2 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए, प्रशासन द्वारा वोटिंग की तैयारियां भी कर ली गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं दमोहवासियों ने अब राहत की सांस ली है। सोहेल, चलिए आप नज़र बनाए रखिए। मनीष, बहुत शुक्रिया। एक महीने का जो शोरगुल था दमोह में थम गया। जैसा कि मनीष सोनी बता रहे थे कि दमोह के लोग उन बाहरी लोगों से ज़्यादा चिंता में थे जो चुनाव प्रचार के नाम पर पिछले एक महीने से दमोह में अपना डेरा डाले थे। बात चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, आला नेता अपने कार्यकर्ताओं समेत दमोह की इस उपचुनाव में जीत के लिए अपनी ताकत झोंके हुए थे। अब इस भीड़ से कम दमोह के लोगों को फिलहाल राहत मिलेगी, लेकिन डोर टू डोर प्रचार 7 बजे के बाद भी जारी रहेगा। 17 तारीख यानी अब से एक दिन के बाद क्या कुछ फैसला दमोह की जनता सुनाएगी, उसके लिए 2 मई तक हमें इंतजार है।